गाइस, आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं MIUI 11 के नेक्स्ट अपडेट, कौन सी डिवाइस को देखने को मिला है और कौन सी डिवाइस को अभी तक देखने को नहीं मिला है, और साथ में एंड्रॉयड 10 के बारे में भी जिक्र करेंगे कि आप सभी को कब तक एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने को मिलेगा। सबसे पहले Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 7, Note 7S और Note 7 Pro, ये सारे डिवाइस के बारे में आज बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो और अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 8 Pro डिवाइस को लेकर। तो दोस्तों, इसी डिवाइस में आप सभी को पता है Xiaomi की तरफ से एक अपडेट रोल आउट किया गया था, एंड्रॉयड 10 से रिलेटेड अपडेट, और इस अपडेट का जो वर्जन था वो 11.0.2.0 था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना। पर ये जो अपडेट है, कुछ यूज़र का कहना है कि मुझे देखने को मिला है और कुछ यूज़र का कहना है कि मुझे देखने को नहीं मिला है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिन यूज़र ने जिस समय Xiaomi की तरफ से इस डिवाइस को एंड्रॉयड 10 का अपडेट रोल आउट किया गया था, अगर उस समय उसने उसी समय डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर लिया तो उन सभी को ये अपडेट देखने को मिल गया होगा। और जिसने उस समय अगर नहीं देखा होगा तो Xiaomi की तरफ से आप सभी को बता दें कि ये जो अपडेट था इसमें कुछ बग्स एंड प्रॉब्लम था, तो Xiaomi ने इसे रोल बैक कर लिया गया है। पर आप देखते हैं कि Xiaomi इसको फिर से कब से रोल आउट करना स्टार्ट करता है। आई होप हो सकता है कि इस महीने के एंड तक हो सकता है इस डिवाइस को भी अपडेट देखने को मिल जाए। अगर बात करते हैं कि Redmi Note 8, तो दोस्तों इस डिवाइस के बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है कि इस डिवाइस को एंड्रॉयड 10 का अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। पर मुझे जहां तक लगता है कि हो सकता है आपको अप्रैल के एंड से लेकर मई के सेकेंड या थर्ड वीक तक हो सकता है आप सभी को अपडेट देखने को मिल जाए, क्योंकि यह अभी बीटा रोम में भी रोल आउट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो स्टेबल अपडेट में कहाँ से होगा। देखते हैं आने वाला समय में क्या होता है, और भी ज़्यादा लीक हो सकता है, इन्फॉर्मेशन मिलेगा। पर हाँ, इसी डिवाइस में अपडेट तो मिलेगा, पर एंड्रॉयड 10 से रिलेटेड अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिलेगा या नहीं। मतलब अपडेट तो आपको मिलता रहेगा MIUI 11 का, और उसके बाद MIUI 12 भी आ जाएगा, तो अभी एंड्रॉयड 10 का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। बात करते हैं Redmi Note 7, Note 7S और Note 7 Pro, इन तीनों डिवाइस को लेकर। क्या आप सभी को पता है चाइना में इसे एक बार रोल आउट कर दिया गया था एंड्रॉयड 10 का अपडेट, पर अभी तक हमारे इंडिया में देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों, आप सभी बता दें कि मुझे जहाँ तक लगता है कि अप्रैल के एंड तक हो सकता है आप सभी को यह अपडेट देखने को मिल जाए, नहीं तो मई के फर्स्ट या सेकंड वीक तक देखने को मिलेगा। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रही है अदर वेबसाइट से और ब्लॉगर से कि जो MIUI 11 का नेक्स्ट अपडेट जो मिलने वाला था इन तीनों डिवाइस को लेकर हमारे इंडिया में, जिसे चाइनीज बीटा रोम में पहले ही रोल आउट किया गया था, तो उस चाइनीज़ बीटा में शायद कुछ प्रॉब्लम देखने को मिले एंड्रॉयड 10 का। तो हो सकता है कि Xiaomi इस पर अगर काम कर रही होगी एंड्रॉयड 10 को लेकर कि इसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है, तो हो सकता है कि आप सभी को ये जो अपडेट है वो थोड़ा डिले हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना है कि हो सकता है आप सभी को ये जो अपडेट है थोड़ा डिले देखने को मिले। पर आप लोग निराश ना होना, आप सभी को ये अपडेट ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि Xiaomi जब चाइना में रोल आउट किया है तो हमारे इंडिया में भी ज़रूर रोल आउट करेगी। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप सभी को इसी तरह से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह से रिलेटेड हमेशा वीडियो आती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।